नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33T versus Moto G32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y33T में 6.46 इंच जबकि G32 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y33T से कम है। विड्थ की बात करें तो Y33T में 2.99 इंच जबकि G32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y33T से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y33T में 0.31 इंच जबकि G32 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y33T से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y33T में 182 ग्राम जबकि G32 में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y33T में 6.58 इंचेस जबकि G32 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y33T में 1080x2408 और G32 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y33T में 83.76% जबकि G32 में 85.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y33T में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि G32 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y33T में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G32 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y33T में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G32 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Y33T में 8 GB जबकि G32 में 4 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y33T में अप टू 1 TB जबकि G32 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y33T में Android V11 जबकि G32 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y33T में 3 कलर्स जबकि G32 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y33T 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें G32 की तो वो 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y33T में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G32 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y33T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y15s 2021 है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Moto G22 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।